हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के और विकास कराने को लेकर के लगातार सड़कों पर संघर्ष करने का हम लोगों ने काम किया है। लखनऊ शहर की जनता ने हमको संघर्ष कर देखा है और प्रदेश की जालिम सरकार ने हमारे संघर्षों को दबाने का काम किया है। इसीलिए आज परिवर्तन की लहर बह रही है, जनता ने मन बना लिया है, बदलाव होना तय है और हम लोग लगातार जहां भी कहीं जनता पर जुल्म अन्याय हुआ है उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे हैं। इसलिए परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है। 10 मार्च को अखिलेश यादव जी बड़े प्रचंड बहुमत से प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। देखिए ये स्पष्ट है कि जो इस क्षेत्र का विधायक था, 5 साल कैबिनेट का मंत्री रहा और जिस क्षेत्र के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यालय है, उनका निवास है, उस क्षेत्र का विधायक क्षेत्र छोड़ करके भाग गया, इसका यह प्रमाण इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई विकास का काम नहीं किया है। और मेरी चुनौती है इस बात के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई विकास का काम किया है तो इस क्षेत्र के विधायक जो 5 साल प्रदेश सरकार के कैबिनेट के मंत्री रहे, क्षेत्र छोड़ करके क्यों भागने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने का वो काम करें, लेकिन कहीं पर कोई विकास का काम नहीं हुआ, सड़कें टूटी हुई हैं। जहां पर आप खड़े हैं ये सड़क हमने बनवाने का काम किया था 12 में और उसके बाद से 9 साल में इस सड़क का रख रखाव भी भाजपा की सरकार विधायक नहीं कर पाए। किसी मोहल्ले किसी गली में भाजपा के विधायक जो मंत्री भी रहे जाने का काम नहीं किया। इसलिए जनता परेशान है, कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोगों की मौत हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री लापता थे। हम लोग जनता के सुख दुख में उनके साथ रहे हैं। इसीलिए हम लोग समाजवादी पार्टी के हर संघर्ष में कार्यकर्ता ने संघर्ष करने का काम किया है। आज परिवर्तन और बदलाव की लहर चल रही है। अखिलेश यादव जी प्रदेश के 10 मार्च को मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं।